बारे में अपने को विचार व्यक्त करूंगा। तो सबसे पहला शब्द जो हमारे जहन में आता है वो युवा। तो महोदय, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र के चरित्र एवं भविष्य के निर्माण की अगर कोई नींव होती है तो उस राष्ट्र के, उस देश का युवा होता है। युवा वो शक्ति होती है, युवा वो ताकत होती है कि किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को, किसी भी संस्था को उसके सफलता की ओर आकर्षित कर सकता है। और अगर मैं युवा महोत्सव की बात करूं तो देश विदेश, विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय, किसी भी जाति धर्म विशेष के लोगों को, युवाओं को एक जगह एकत्रित कर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के जो सम्मेलन किया जाता है उसको युवा महोत्सव के नाम से जानते हैं। जैसा कि विषय दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए कि युवा महोत्सव सिर्फ सफलता तक ही सीमित, सिर्फ प्रतियोगिता तक ही सीमित नहीं होगा, ये बात मैं बिल्कुल सही मानता हूँ। क्योंकि महोदय, प्रतियोगिता का मतलब ये होता है हारना या जीतना। अगर कोई भी उत्सव सिर्फ हार और जीत से नहीं होता, क्योंकि एक हार और जीत से कोई सिकंदर नहीं हो जाता। इसका मैं बहुत आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लगली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। यहाँ के प्रबंधक ने जब इसकी शुरुआत करी, एक पहला भवन का निर्माण करा, दूसरे भवन का निर्माण करा, यहाँ पे विद्यार्थियों का दाखिला हुआ और विद्यार्थियों के दाखिले के बाद, अपनी पहली सफलता के बाद, अपनी पहली जीत के बाद अगर वो शांति से बैठ जाते और खुश हो जाते, मैं जीत चुका हूँ, मैं एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर चुका हूँ, तो आज क्या दुनिया में ये नकली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय बन पाता नहीं। मगर उन्होंने संघर्ष किया, युवाओं के साथ सामंजस्य बिठाया, शांति से संबंध बनाने की कोशिश की और आज ये मुकाम तक पहुंच गए। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि युवा महोत्सव सिर्फ प्रतियोगिता तक सीमित नहीं होता, हार और जीत तक सीमित नहीं होता। इसका मतलब युवा महोत्सव से शांति, समृद्धि और सामंजस्य बैठता है। वो कैसे? अगर यहाँ पर इस सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं तो एक झूठ मत बोलना, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे मन में एक भाव ऐसा जरूर है कि हाँ, हम इस सभा से है, हम इस वर्ग के हैं। हम शब्द ही महोदय सामंजस्य की परिभाषा व्यक्त कर रहा है, मैं नहीं, यहाँ हम शब्द आ रहा है और यही हमारे युवा महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए अंत में मैं महोदय दो पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कथानक ब्याह कर